हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मनोहर सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पोलैंड के राजदूत से शिष्टाचार भेंट हुई। इस मुलाकात में पोलैंड के राजदूत ने हरियाणा में निवेश को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई। इस बैठक में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की ने हरियाणा के सोनीपत और रोहतक में बन रहे मेगा फूड पार्क में निवेश की संभावना तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पोलैंड पहले से खाद्य व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा सरकार से सहयोग करने के लिए विचार कर रहा है, इसीलिए ये मेगा फूड पार्क पोलैंड के निवेशकों के लिए व्यापार का एक बड़ा अवसर बन सकता है। हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी एक्ट समेत अन्य मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पिछले विधानसभा के अधिवेशन में हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी एक्ट पारित हो गया था। वो 6 सितंबर को राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और अभी उसकी कमेंसमेंट भी नोटिफिकेशन अगले एक दो दिन में हो जाएगी, यानी वो एक्ट है वो प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले कदम पे ये चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुँचें, तो उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी सर्विसेज हैं उन सबको पीपीपी के साथ जोड़ने के लिए हर विभाग से और हर विभाग अध्यक्ष से आज विचार विमर्श किया गया था, जिससे सारे जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी हैं वो सीधे आम जन तक पहुंच जाएं और उनको सरकारी दफ्तरों पर चक्कर ना काटना पड़े। तो ये पहली नवंबर की ये इंटीग्रेशन के लिए डेडलाइन रख ली गई है। पहली नवंबर के बाद हम प्रोएक्टिव मोड यानी सीधे सिटीजन डिलीवरी सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। अभी तक जो सरकारी सर्विसेज हैं उसमें से तकरीबन 140 ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑफलाइन मोड में दी जाती, तो उसका भी ऑनलाइन मोड में लाके पीपीपी के साथ जोड़ के और सरकारी का परिभाषा यानी सरकारी सुविधाओं की परिभाषा जहां लोग अप्लाई करते सर्विस के उसको बदलते हुए सीधे सरकार लोगों के पास जाएगी। पीछे दो सर्विसेज जो स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी जो अभी तक पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हुई है, वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उन दोनों को भी इसी माध्यम से जोड़ते हुए अब इस साल पे जो बजट में घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा कि 2 लाख यानी जिसमें 1 लाख परिवारों का जो निम्न स्तर के आय के वर्ग के परिवार हैं उनको हम किस तरह सुविधा देके उनकी आय बढ़ा सकें उसकी प्रक्रिया में तेजी लाके उसको पूरी तरह जोड़ते हुए आगे चलाने की बात है। उम्मीद यही है कि उनकी सर्वे चल पड़ी है, चल रही है और उसके बाद विभागों के लिए ड्यूटियाँ जो थी वो भी दे दी गई हैं, वो काम आगे बढ़ाते हुए अगले 2 महीने में उन परिवारों को सुविधा मिल जाए। तो अभी तक इस एरिया में ज़्यादा पुश नहीं की गई थी क्योंकि एक बार डेटा की हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लें ताकि ये ना हो कि किसी को असुविधा भी हो, लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी कुछ स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इससे वांछित रह रहे हैं। तो उस पे उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो साथ साथ पात्र व्यक्ति को उसको अपनी फायदा मिलेगा, जो अपात्र व्यक्ति है अभी हम उसके ऊपर पूरी तरह आंकड़े के बेसिस में नहीं जा नहीं पाएंगे क्योंकि हर सर्विस की हर स्कीम की आंकड़े अलग होते हैं। एक शंका बनी है लोगों पे, कुछ लोगों पे मैं कहूँगा और खासकर कुछ पॉलिटिकल अरीना में, उसी के लिए एक्ट में लाया गया। अगर एक्ट पढ़ेंगे खासकर धारा 28 उसमें एक
साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये सरकारी सुविधाओं के लिए ही उपलब्ध होगी और कोई भी, कोई व्यक्ति भी, अगर मैं भी अगर इसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करे तो दंडित हो सकते हैं, जेल भी हो सकता है। तो ये शंका लोगों पे होनी नहीं चाहिए कि इसका कोई पॉलिटिकल उपयोग किया जाएगा। हाँ, सर्विस की और सरकारी स्कीमों के लिए, उस स्कीमों की कल्पना बनाने की सरकार के पूरे अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं। तो जो स्कीम सरकार बनाती है, पारित करती है अपने सिस्टम से, उस पे पीपीपी लागू। देखिए, ये स्कीम जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 5 साल पहले करी थी, और याद भी दिलाते हैं, उनकी कल्पना से ही आगे बढ़ी है। इसके पहले 2 बार प्रयास हो चुके थे और दोनों प्रयास हम पूरी तरह कर नहीं पाए। इस बार जो प्रयास बनी है, जो पिछले जो काम किए थे उससे सीख लेते हुए, इम्प्रूव करते हुए गए हैं, और आगे अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब वो कल्पना सामने दिखना शुरू हो गया है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई समय सीमा निर्धारण करना मुश्किल है, लेकिन इस डेटाबेस में जो परिवार आ गए हैं, उनकी पात्रता अपात्रता, उनको स्कीम का लाभ ऑटोमेटिकली यहाँ से मिलना शुरू होगा। तो लोग फिर अपने आप आएंगे, जुड़ेंगे। अभी तक तो किसी पे कोई ये दबाव नहीं डाला गया है, कोई प्रेशर नहीं डाला गया है, तो लोग काफ़ी हद तक अपने आप आए हैं और अपने कंसेंट भी खुद दिए हैं, क्योंकि उनको खुद फ़ायदा दिख रहा है। सिक्योरिटी तो इसकी पूरी रही है, और इसमें हम चलाते हुए 1.5 साल लग गए हैं। 1.5 साल में हमें कोई पीपीपी के ऊपर कोई ऐसी घटना नहीं दिखी जहां पर ये लीकेज वाली बात आई हो। हाँ, अब कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई ना कोई होशियार हमसे भी ज़्यादा होगा, और होगा ज़रूर इस दुनिया में, ऐसा कोई केस नहीं। मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से उसमें जुर्माना पैसे के 10 लाख की है, और इसमें 3 साल की सजा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बट अगर आप डिटेल आप खुद देख लें, उसी से पता चल जाएगा। तो ये एक सख्ती प्रावधान है, आप मानेंगे 3 साल की सजा अगर किसी ने लीक कर दी। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते आपसी सहमति से खोल देने चाहिए, ये कहना है हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला का। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते। किसान संगठनों को और किसान भाइयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या इतना लंबा आंदोलन सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद भी चलाना उचित है क्या, और वो भी उस सरकार के खिलाफ, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तक फसलों का सर्वाधिक मूल्य किसान को मिला हो। कभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद DAP यूरिया बीज की किल्लत नहीं आई हो, हर चीज़ समय पर किसान को उपलब्ध करवाना और नए नए तरीके की योजनाएं लेकर के किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान की आमदनी किस प्रकार से बढ़े, इस बात का विचार करने वाला प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में और दिल्ली के बॉर्डर पर कई स्थानों के ऊपर इस प्रकार की गतिविधियां रोड जाम करने की चली हुई हैं लगातार, और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हर किसान इस बात को जानता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, हम तुलना कर लें, इधर हरियाणा के पंजाब है, उधर हरियाणा के राजस्थान है, 2 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार 11-11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदने का काम कर रही है, और पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार किस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न कर रही है सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सरसों की फसल, बाजरे की फसल किस भाव पर बिकती है, अगर बाजार के अंदर उसका भाव कम मिलता है तो भावांतर बर्बाद। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सिंगराज अधाना ने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल को जीतना है। वे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा स्वागत किए जाने के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सिंगराज और उनके परिजनों को सम्मानित किया, तो वहीं हरियाणा सरकार की खेल नीति की प्रशंसा की। मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है
मैं यहाँ विधायक के रूप में नहीं आया, परिवार के रूप में आया हूँ। मेरा इस परिवार से पिछले 25-30 साल का संपर्क है। जब कोई अपने परिवार का बच्चा और एक साथ दो दो मेडल जीत के आए तो आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी। तो ये मेरे लिए निजी रूप से जिले के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे सिंह राज अधाना सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। मैं उन्हें उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ और निश्चित ही वो जो कमी रह गई है वो अगले जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। उसमें परिवार में भी बहुत देश के प्रति लगन है, वो खुद बड़ा बिल्कुल फुल आदमी है, पावर दिमाग में रखता है कि अगली बार जो आएंगे तो गोल्ड मेडल हमारे सर पूरे देश में हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। जो खेल नीति हरियाणा सरकार की है, लगता है कि वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में उसने अहम रोल अदा किया है। देखिए हमारी 2% जनसंख्या देश की है और जो पदकों की गिनती देखते हैं परसेंटेज वाइज तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये अपने आप में क्षण ऐसे होते हैं जो गर्व से महसूस कराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में जी रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के बहुत अजीज और ख़ास हमारे परिवार के सदस्य भाई विधायक भी हैं, ये एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इनका एहसानमंद हूँ। और जो बधाइयों का जो सिलसिला, जो आशीर्वाद का जो सिलसिला मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अब शायद ही कोई ऐसी ताकत होगी जो मुझे वोट देने से वंचित कर दे। आगे की क्या तैयारियाँ हैं, क्या और मेडल भारत की झोली में आएंगे? बिल्कुल, अब जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है और हरियाणा के CM साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जो नीति है हमारी भारत सरकार और हरियाणा की, वो ऐसी नीति बनी है और खासकर जो 19 मेडल पैरालंपिक में इंडियन टीम ने जीते हैं उसके बाद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज कोरोना के संक्रमण से 16 महीनों के बाद उस समय मुक्त हुआ दिखा जब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा शून्य हो गया। हालांकि सिविल सर्जन संतलाल वर्मा बोले कि शून्य के आंकड़े को बरकरार रखने के लिए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अहम पहलू ये भी है कि कुरुक्षेत्र में कोविड का पहला केस 6 अप्रैल 2020 को सेक्टर 7 से मिला था। आज जो है हमारे जिले में कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ना ही कोई एक्टिव केस है। आज जो आखिरी एक्टिव केस था वो हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ से डिस्चार्ज हो गया और वो कोविड के लक्षणों से पूरी तरह से मुक्त है, उसको घर भेज दिया गया है। और इस तरह से हम देखें तो ये हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को और जो जिला प्रशासन है जिन्होंने हर वक्त जो है साथ में खड़े होकर काम करवाए उन लोगों को जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो ऊपर से हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका लगातार हम लोगों से इंटरेक्ट करना, DC जितनी होती रही है उस दौरान, और हमारे ACS है और MDNHM और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बीना सिंह, उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स जो हमें प्रेरित करते रहे उसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुँचे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कुरुक्षेत्र इकाई ने पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट करने के बयान का विरोध किया। भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता बस स्टैंड के सामने इकट्ठे हुए और CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो एक घटिया बयान दिया है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए, ये उसका अपमान है। मैं सीधे सीधे ये कहूँगा और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर एक तरफ कांग्रेस का मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता है, एक तरफ प्रदेश के रहने वाले कांग्रेसी उसको चुपचाप सुनते हैं,
उनको तो ये प्रदेश छोड़ के चले जाना चाहिए। और हमेशा से कांग्रेस की ये नीति रही है कि देश में फूट डालो राज करो, और पहले 50 से 55 साल देश पे राज करने वाली कांग्रेस आज तक उन्होंने देश में ऐसे ही बखेड़े डाले हैं। कोई भी सरकार एंटी कांग्रेस उन्होंने चलने ही नहीं दी। कोई सरकार अगर बनती थी 1.5-2 साल वो चलती थी, गिर जाती थी। देश की जनता में एक मैसेज जाता था कि भी 5 साल केवल कांग्रेस ही चला सकती है, दूसरी सरकार नहीं चला सकती। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं यशस्वी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 5 साल सरकार चला के ये दिखाया, देश की जनता को ये मैसेज दिया कि देश के एंटी कांग्रेस भी 5 साल सरकार चल सकती है और वो देश के अंदर इतने अच्छे काम कर सकती है। और उसके बाद हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सरकार चला के 7 सालों में जो किसानों के लिए हर वर्ग के लिए जो काम किया है वो काम उनको हजम नहीं हो रहा है। उनके जो पहले काम करने का तरीका था और मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उस वजह से उनकी जो जमीन खिसक चुकी है, वो अपने केवल जमीन बचाने का काम कर रहे हैं। और ये आज अगर आंदोलन ये चल रहा है तो ये किसान आंदोलन नहीं है, मैं सीधे ही कहूँगा ये केवल और केवल ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का और विपक्षियों का आंदोलन है। केवल उनको ये लग रहा है कि अगर हमने नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को अगर नहीं रोका तो ये 50-55 साल देश पे ये राज करेंगे, तुम बिल्कुल साफ हो जाओगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेसी यहाँ अगर सुन, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आज फतेहाबाद बीजेपी के द्वारा शहर के लाल बत्ती चौक पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता शहर के लाल बत्ती चौक पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले को आग के हवाले किया। फतेहाबाद बीजेपी के जिला प्रधान बलदेव सिंह रोहा ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा किसान आंदोलन को लेकर गलत बयानबाजी की जा रही है। वो उन्होंने खुला कहा है जाकर के भी जा दिल्ली में जाकर के आप डेरा डालो या हरियाणा में, क्योंकि पंजाब की आर्थिक व्यवस्था पहले ही उजड़ चुकी है और ना उजाड़ो उनको उजाड़ो। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का हम इसके लिए उनको ये सचेत करते हैं कि हरियाणा कमजोर इतना कमजोर नहीं है जितना उन्होंने मान लिया है। हरियाणा भी ईंट का जवाब पत्थर से देने जानता है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश को बांटने वाला काम नहीं करती। भी पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, दिल्ली अलग है, सभी देश एक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप फोगाट के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा की चरखी दादरी इकाई ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम का पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया। दिया गया शर्मनाक बयान के ऊपर हमने उनका पुतला जलाकर उस प्रदर्शन किया भाजपा की किसान मोर्चा की टीम ने, और उनका ये कहना कि पंजाब में वो अशांति ना फैलाएं, हरियाणा में जाके प्रदर्शन करें, तो इसलिए उनको हरियाणा की जो विकास की गति है वो रास नहीं आ रही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों को हरियाणा और दिल्ली में आंदोलन करने के लिए कहने वाले बयान पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिसके चलते प्रदेश भर में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुतले जलाए जा रहे हैं। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और ये गुस्सा एक एक कार्यकर्ता प्रकट कर रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये संदेश भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता देना चाहता है कि हरियाणा कोई आंदोलन स्थली नहीं है। पंजाब के किसान को ये कहना कि वो हरियाणा में जाकर आंदोलन करें, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं होने देगा, क्योंकि आंदोलन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उसको यदि अपनी अर्थव्यवस्था प्यारी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की अर्थव्यवस्था बहुत प्यारी है और हम अपनी अर्थव्यवस्था को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं उसी गति से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक प्रकार का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये संदेश देने का प्रयास किया।
गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किसान आंदोलन को गदर की संज्ञा दिए जाने पर किसान भड़क गए। आज किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और अनिल विज के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं ने गृह मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा के नेता अब पंच बनने के लायक नहीं रहे। किसान यहां खेती बचाओ संघर्ष समिति के नेता मनदीप नथवान के नेतृत्व में एकजुट हुए। विज ने एक आंदोलन को लेकर बयान दिया कि ये आंदोलन नहीं है, गदर है, जिसके अंदर लाठी डंडे तलवारें लेके ली जा रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये काम लड़ाई दंगा करना, ये काम भाजपा का था। भाजपा का जो इतिहास है वो धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करना, कत्ले कार्त करना, जैसे बंगाल अपना वहाँ गुजरात के अंदर हत्याकांड हुआ, ये भाजपा काम करती है। ये किसान ऐसा काम नहीं करते। विज साहब का तो वैसे ही दिमाग ठीक नहीं, मैं समझता। ये रोज़ नए नए बयान देता है और ये कहता है कानून व्यवस्था हम बना रखी है, जहाँ चोरी होती है रोज़, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर चोरों ने गदर मचा रखा है। इनको चोरों वाला गदर नहीं नजर आता, किसानों वाला गदर नजर आ रहा है। अभी किसान इनको बताएंगे गदर क्या चीज़ होती है। आने दो, समय आने दो। ये मेंबर पंचायत भी नहीं बन पाएंगे भाजपा के, जितने नेता है ना ये अभी, ये इतने गिर चुके हैं। जैसे अंग्रेज़ के पक्ष में कुछ लोग खड़े थे ना, गद्दारी कर रहे थे हिंदुस्तान के साथ, ऐसे ये लोग गद्दार साबित होंगे आने वाले समय में, आप देखोगे। और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि पुरजोर विरोध करेंगे इस बयान का। बयान का विरोध करेंगे। सरकार हरियाणा की सरकार जाने वाली है, ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब वो विधानसभा में उनके पास विश्वास मत हो सकता है, वह जनता से विश्वास खो चुकी सरकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र शब्द से इन्हें नफरत है, क्योंकि ये हिटलर की नीति को मानते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठी डंडे तलवार किसान नहीं उठाता कभी। ये लोग इनके लोग घुसा देते हैं, ये लोग दंगा कराने के लिए। और ये दंगा भी, ये भाजपा दंगे वाली पार्टी के तौर रूप से जानी जाती है, जो धर्म के नाम पर खड़ी हुई थी और जिनके पास एक दो MP बना करते मुश्किल से, आज धर्म के नाम पे लोगों में जहर घोल कर ये सत्ता प्राप्त कर ली है। ये जो असली मुद्दे थे लोगों के, शिक्षा रोजगार, वो कहाँ चले गए मुद्दे? सरकार के नए नियम आम जन के लिए जी का जंजाल बनने वाले हैं, क्योंकि लोकनायक जिला अस्पताल में 30 सितंबर के बाद कई OPD बंद हो सकती है। ऐसा सरकार के आदेश के अनुसार इसीलिए होगा कि सरकार ने प्रदेश भर के कंसल्टेंट को 30 सितंबर को सेवानिवृत्त किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ACS हेल्थ ने जारी पत्र में कहा कि प्रदेश भर में काम कर रहे कंसल्टेंट की 30 सितंबर को सेवा समाप्त समझी जाएगी। सबसे ज्यादा परेशानी अल्ट्रासाउंड केंद्र में रहेगी, क्योंकि जिला अस्पताल के एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के सेवानिवृत्त होने के बाद मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए निजी अस्पताल में जेब को ढीला करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन की है तो जो कंसल्टेंट्स 50 ईयर से ऊपर हैं, उनको 30 सितंबर को रिलीव कर दिया जाएगा, तो 4 बार कर दिया जाएगा। तो उसमें गाइडलाइन भी है कि 3 जिलों में रखेंगे? जैसे गाइडलाइंस हैं नोटिफिकेशन में, 3 जिलों में के लिए अप्लाई चॉइस देनी है, उसके बाद सरकार वेकेंट पोस्ट के हिसाब से लगाएगी। तो छोटे बच्चों के डॉक्टर भी आप ही हैं पूरे जिले में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अकेला पीडियाट्रिशियन, तो दिक्कत आएगी तो आपके मरीजों को? ये तो स्वाभाविक है, यहाँ से 150-200 बच्चे हर रोज आते हैं OPD में इलाज करवाने के लिए, एमरजेंसी में, यूनिवर्सिटी में। आप द्वारा एक आदेश पास किए गए हैं जिसमें जो कंसल्टेंट लगाए गए हैं आपको अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स, उन लोगों को 30 सितंबर को रिलीव कर दिया जाएगा आदेशानुसार, और उनको ऑप्शन दी गई आगे कि जो जिन्होंने 64 साल अभी पूरे नहीं किए अपनी उम्र के, वो री ज्वाइनिंग के लिए, री अपॉइंटमेंट लेटर्स के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें अपना मेडिकल करवा के 15 सितंबर तक वो अपना सबमिट कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो कितना डॉक्टर है उनको री ज्वाइनिंग दे देगी अगर वो फिट पाए जाते हैं? इसके लिए डॉक्टर्स को अपने 3 ऑप्शन देने होंगे और वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के दे सकते हैं, 3 जगह के देने होंगे, जिसमें जगह खाली होगी वहाँ उनको। तो सर कुरुक्षेत्र में LNJP के कितने डॉक्टर हैं? हमारे ज़िले में टोटल 9 डॉक्टर हैं। तो सेवाएं सर चलती रहेंगी आगे? ये सेवाएं कंटिन्यू रहेंगी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।